हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पीस अट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा स्टोन है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कभी लगता है कि आपकी लाइफ में लव मिसिंग है, पीस मिसिंग है, देयर इज नो हार्मनी इन लाइफ, हमें कभी कभी लगता है कि वी आर वेरी लोनली, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें अपने आप को वो वैल्यू देनी है, वो रिस्पेक्ट देनी है जो हम डिजर्व करते हैं। अननेसेसरी कोई भी, जिससे आप कोई रिलेशनशिप में रहे हैं अगर, तो आपको उस रिलेशनशिप में जो भी आपके अप्स एंड डाउन होंगे वो आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। पर अगर कोई आपका रॉ रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी रही है, तो ये एक ऐसा स्टोन है जो आपको हेल्प करेगा उससे ओवरकम करने में। इसमें कई फॉर्म्स आते हैं। ये ब्रेसलेट है रोज क्वार्ट्ज का, लाइट पिंकिश शेड का होता है, कभी डार्क पिंकिश शेड का होता है। ये स्टोन पे डिपेंड करता है और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे ही ये ब्रेसलेट को आपको पहनना होता है अपने लेफ्ट हैंड में। जब आप इसे पहनते हैं आपको डेली इससे कनेक्ट करना है, इसे चार्ज भी करना होता है। आप इससे कनेक्ट करेंगे कैसे, इसका तरीका होता है आपको अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है इसे। सपोज दिस इज अ ब्रेसलेट, या इसका ये रॉ फॉर्म में स्टोन्स में भी आता है, पेंडेंट भी आता है। रोज क्वार्ट्ज बेसिकली आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड होता है, तो जो भी आपके हार्ट रिलेटेड होता है वो आप इस पर्टिकुलर स्टोन को यूज कर सकते हैं उससे ओवरकम करने के लिए, या उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टोन जो होता है आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कभी कभी क्या होता है, हम अपने फेस से लाइफ के इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें नहीं पता हम क्या करें या किस से बात करें। कुछ कुछ चीजें होती है हम किसी से कभी नहीं शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये जो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं, या आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं। पर ये सब चीजें तब वर्क करती है जब इन्हें फेथ से करें, आपको इन पे विश्वास रखना होगा, तभी वो चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा आप ये पहन लीजिए वर्क करेगा, नहीं। आपको उस पे अगर बिलीव है, उस पे फेथ है, आप डेली अपने हाथ में से होल्ड कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आपको जो भी शेयर करना है, जैसे आप एक फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं वैसे आपको करना है, एंड सी द मैजिक। फिर आपको पता चलेगा इसके बेनिफिट्स क्या है। डेली कनेक्ट कीजिए, चार्ज कीजिए इसे। चार्ज करने के लिए बेस्ट वे होता है रोज क्वार्ट्ज को, आप एक पानी, एक कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी, और अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है तो उसमें एक स्पून रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। ये उसे आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं उसपे, एंड फिर नेक्स्ट डे आप उसे क्लीन वाटर से वॉश करके यूज कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसे एवरी वीक भी अगर आप चार्ज करते हैं, या जब भी आपको एक इंट्यूशन होता है कि मुझे इसे चार्ज करना है, आप इसे कर सकते हैं। इसमें कोई हार्म नहीं है, कभी आप इसे उतार के भी सो सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि वो आप जहाँ भी, जिस भी रूम में या जिस भी आपका बेड साइड है या कहीं पे भी आप रख सकते हैं, वहाँ रख के उसे सोइए। एंड जिस तरीके से आप अपनी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखते हैं वैसे ही आप इनका ध्यान रखिए, वो आपको उतना ही बेनिफिशियल रिजल्ट देंगे। आप इसे ट्राई कीजिए। आपको अगर इसे ऑर्डर करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी भी चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्लीज इसे लीजिए एंड सी द डिफरेंस। मैं खुद इसे पहनती हूँ एंड आई नो हाउ मच इट इज इफेक्टिव। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।